बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं डेज़र्ट की रेसिपी, जो कि इफ्तार स्पेशल रेसिपी है। इसे आप बनाइए इफ्तार पार्टीज़ में, ये बहुत ही मज़ेगा और सिंपल इजी सा डेज़र्ट है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस डेज़र्ट को बनाने के लिए हमने मैरी बिस्किट लिए हैं, जो कि है एक पैकेट। आप कोई से भी क्रैकर बिस्किट का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ हमने एक सॉस पैन ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे आधा लीटर दूध। तो ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। इस ठंडे दूध में ही हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जो कि है कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे मैं 4 से 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के डालूंगी। तो यहाँ हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है तकरीबन 5 खाने के चम्मच लेवल करके। इसी के साथ अब हम डालेंगे इसके अंदर वनीला एसेंस। तो 1.5 चाय का चम्मच वनीला एसेंस है, ये हम डाल देते हैं। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी हम डालेंगे इसमें तकरीबन 7 से 8 खाने के चम्मच। तो ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। इसको मुसलसल चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कुक कर रहे हैं, ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। तो इसको लगातार चलाते हुए ही आपने पकाना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। और अभी हमें बस इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, इतना ही हमें थिक चाहिए। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और चूल्हे की आंच को अब हम बंद कर देंगे। तो ये इतना गाढ़ा हमें चाहिए था, हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हमने इसको पका लिया है। अब हम इसको छान लेते हैं। अब इस कस्टर्ड के मिक्सचर को हम इस तरीके से छान लेंगे, और हमने इस तरीके से इसको छान लिया है ताकि ये हमारा मिक्सर बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। और ये हमारा मिक्सर कस्टर्ड का बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो इस स्टेज पे ही साथ हम शामिल करेंगे टेट्रापैक क्रीम, जो कि है 200 ml। तो ये हमने पूरा पैकेट डाल दिया है इसके अंदर, साथ ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यह हमारा मिक्सर बन के तैयार है, इसको हम साइड में कर देते हैं। अब यहाँ हमने पाइनएप्पल का टिन लिया है, छोटा वाला डब्बा। तो इसका जो सिरप होता है वो हम निकाल लेंगे एक बोल में इस तरीके से। अब इस सिरप को हम बिस्किट में डिप करेंगे। और इस तरीके की हमने डिश ले ली है, जो कि बेकिंग डिश होती है। इसके अंदर हम बिस्किट की लेयर लगा देंगे। तो पहली लेयर हम तमाम बिस्किट्स की लगाएंगे, जितनी हिसाब से आ सकें उतनी हम इसमें रख देंगे। तो इस तरीके से हमने बिस्किट्स को रख दिया है, साथ ही हम ये पाइनएप्पल के 2-4 चंक्स डाल देंगे। और अब हम तैयार किए हुए कस्टर्ड को इस तरीके से पोर करेंगे और स्पैचुला की मदद से इसको इस तरीके से लेवल कर देंगे। इसी तरीके से अब हम इसके ऊपर डिप करके डालेंगे मैरी बिस्किट को। और इसी तरीके से सिरप के साथ डिप करके हम बिस्किट्स की लेयर लगा देंगे। अब ये हमने इस तरीके से बिस्किट की लेयर लगा दी है, साथ ही हम इसके ऊपर पोर करेंगे ये कस्टर्ड। फिर हम इसके ऊपर बिस्किट लगाएंगे और फिर हम इसके ऊपर कस्टर्ड लगा देंगे। अब ये बिस्किट की लेयर लगाने के बाद हमने इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर भी लगा दी है। इसके ऊपर थोड़े से हम किशमिश डाल रहे हैं, आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल सकते हैं इसमें। अब इस डेज़र्ट की टॉपिंग के लिए हम व्हिपिंग क्रीम बना लेंगे। आप चाहें तो टेट्रापैक क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो बेकरी वाली भी व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये वाली अवेलेबल है, डब्बे वाली, जो कि दूध से डाल के बनाई जाती है। तो मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही ईजी हो जाता है इस तरीके के डेज़र्ट्स बनाना इसे। तो ये एक पैकेट में 2 सैशे आते हैं, तो ये मैंने दोनों डाल दिए हैं। अब इस व्हिपिंग क्रीम में हम शामिल करेंगे दूध, ठंडा दूध डाल रहे हैं हम इसके अंदर तकरीबन 150 ml। तो ये हम डालेंगे और हैंड मिक्सर की मदद से इसको फ्लफ़ी हो जाने तक बीट करेंगे। तो इस व्हिपिंग क्रीम को बनाने में हार्डली हमें 1 मिनट लगा, और ये हमारे सॉफ्ट पीक्स आ चुके हैं और ये हमारी व्हिपिंग क्रीम बनके रेडी है। अब हम इसको पोर करेंगे एज अ टॉपिंग के लिए। तो इसके ऊपर हम डाल देते हैं ये। अब ये व्हिपिंग क्रीम की हमने लेयर लगा दी है, इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो बिस्किट का चूरा है इस तरीके से हमने किया हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से डालेंगे और इस तरीके से हम इसके बॉर्डर से बना लेंगे। साथ ही हम पाइनएप्पल के चंक्स इस तरीके से रख देंगे।
तो इसी के साथ हम इसमें चेरीज़ भी लगा देंगे और थोड़े से आलमंड स्लाइसेस रख देंगे। तो इसको आप सर्व कीजिए बिल्कुल चिल्ड करके, बहुत ही मज़े का बनता है। इसको बनाइए इफ्तार पार्टीज़ में या किसी भी ओकेजन्स में आप इसको बनाइए, ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो ज़रूर ट्राई करके इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा। अगर आज की रेसिपी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।